Assalamu Alaikum students this is Ibrahim Uh, आज के क्लास में हम ऑडिट रिस्क का विंटर 2019 का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ये सवाल मैंने आपको जो हमारा इस वीक में प्लान था कि जी इस वीक में हमने ऑडिट रिस्क और ऑडिट प्रोसीज पे फोकस रखना है तो इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सवाल मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप और पो पोर्टल पो पर जो हमारा ऑडिट टेस्टिंग सिस्टम का चैप्टर आ रहा है उसके अंदर ये सवाल मैंने आपके पास ऐड कर दिए थे आज के क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं इसके ड्राफ्टिंग को देखते हैं और किस तरीके से एक अच्छा आंसर हम ड्राफ्ट कर सकते हैं क्या टेक्निक है सवाल को कैसे रीड करना होता है सवाल काफ़ी लेंदी आता है ऑडिट रिस्क का इन चीज़ों को आपस में कैसे मैनेज करना होता है स्टार्ट करते हैं विंटर 2019 के सवाल से देखें काफी सवाल है आ, पहले हम एक सवाल रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद ड्राफ्ट कैसे करना उसके ऊपर आते हैं देखिए यू आर द ऑडिट मैनेजर असाइन टू दस्ट्रॉन कंप्यूटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड तीस नवंबर दो हजार उन्नीस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी इज द इम्पोर्ट ऑफ सर्वर्स लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एलसीडी स्क्रीन एंड रिलेटेड एक्सेसरी टू लार्जर कस्टमर्स एंड रिटेलर कंपनी का बिजनेस इंपोर्ट वाला है ठीक है एसीएल वॉज इनकॉर्पोरेट इन दो हजार दो एंड ऑपरेटेड प्रोफिटेबिलिटी दो हजार सोलह आप ऑडिट कर रहे हैं तीस नवंबर दो हजार उन्नीस वेन इट टर्न इन टू अस मेकिंग एन टी टी ड्यू टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द रीफर्निश्ड कंप्यूटर इन द मार्केट सही आप एक प्रोडक्ट बना रहे मार्केट में रिफर्निश प्रोडक्ट आ चुके हैं जिसकी वजह से 2016 तक आप प्रॉफिट में आप 2019 का ऑडिट करने जा रहे हैं और कंपनी पिछले तीन साल से लॉसेस में है अच्छा और ये चीज़ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ज़ाहिर हो रही है कि हमारे पास कंपनी पिछले दो साल और से पिछले सालों में भी लॉसेस में अच्छा सेल्स को भी अगर हम देखें तो सेल्स भी कंपनी की थोड़ी सी डिक्लाइनिंग उसमें है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कैसे एनालाइज करते हैं थोड़ा सा आगे सवाल पढ़ते हैं इन जून 2019, एसीएल डिसाइड टू डिसकंटिन्यू द इंपोर्ट ऑफ सेल ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड एलसीडी स्क्रीन्स एंड टू कंसंट्रेट सेलिंग सर्वर्स एंड लैपटॉप्स। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एन ऑल इन वन पी सी विच इज नॉट करेंटली अवेलेबल इन द रिफर्निश मार्केट तो वो भी रिफर्निश मार्केट में आने जा रहे हैं लेकिन ऑल इन वन पी सी में सही कि एक ऐसा सिस्टम बना है जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद होंगी टू फर्दर बूस्ट द सेल्स ए सी एल स्टार्टेड ऑफरिंग एक्सटेंडेड वारंटीज इन एडिशन टू अ टू ईयर वारंटी पीरियड फॉर ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट अ नॉमिनल इंक्रीज प्राइस उसने कहा ठीक है कॉम्पिटिशन टफ है मैं एक काम यह करता हूँ मैं वारंटी की तरफ आता हूँ

फोर डिसाइडिंग टू डिसकंटिन्यू दिस प्रोडक्ट सेगमेंट टोटल कॉन्ट्रेक्ट बीस हजार का था छह हजार सप्लाई कर चुका हूं एसीएल प्रेजेंटली निगोशिएटिंग विदेजमेंट ऑफ बोथ स्कूल टू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड एलसीडी स्क्रीन टू ऑल इन वन पीसी क्योंकि मैं अपना सेगमेंट चेंज कर चुका हूँ मैं एक न्यू सेगमेंट में जा रहा हूं तो मेरे एग्जिटिंग अरेजमेंट के ऊपर से बात कर रहा हूं वन ऑफ द स्कूल है अदर स्कूल इज इन प्रोग्रेस इन केस द अदर स्कूल डिस नॉट एग्री टू द चेंज एसीएल वुड इधर टर्मिनेट द कॉन्ट्रेट बाई पे पेनल्टी ऑफ छे मिलियन और प्रोक्योर द रिंग यूनिट फ्रॉम एनी अदर सप्लायर इवन मोर दैन द कॉन्ट्रेक्ट प्राइस है यह तो बेचूंगा सौ रुपए का और मुझे पड़ेगा डेढ़ सौ रुपए का समझ जाएगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन मे दो हजार उन्नीस ए सी एल ऑर्डर डेस्कटॉप कंप्यूटर एक्सेसरीज एट अ लैंडेड कॉस्ट ऑफ रुपीज ट्वेंटी मिलियन फ्रॉमनी बेस्ड इन हॉन्गकॉन्ग ड्यू टू दॉलिटिकलरेस्ट इन द हॉन्गकॉन्ग The shipment was delayed for more than 5 months despite the ordered units were manufactured on time. On discontinuance of the business of desktop computers and LCD screen, ACL asked the manufacturer to cancel the order. However, the manufacturing refused to cancel the order. In November 2019, the manufacturing shipped the ordered units which were received by ACL on 2 December 2019. CEO has informed that they are under negotiation with a local distributor to dispose of the entire desktop computer accessories. सवाल के रिक्वायरमेंट डिस्कस दिस्क एंड की ऑडिट प्रोसीजर्सॉर्म अगर मैं इस पूरे सवाल को समझने की कोशिश करूं कंपनी का बिजनेस क्या था देखें कंपनी का बिजनेस था कि वो सर्वर डेस्कटॉप्स वगैरह इस तरह की चीजें बना रही होती थी ठीक है उसके बाद तो प्रॉफिटेबल था बड़ा जबरदस्त बिजनेस था 2016 तक प्रॉफिटेबल था उसके बाद क्या हुआ ये कंपनी अचानक से लॉस मेकिंग एंटिटी बन गई और पिछले दो तीन सालों से सिग्निफिकेंट लॉसेस इनकट कर रही है उसका रीजन

अब चूँकि मेरी सेल्स कम हो गई है और मैंने इसके ऊपर पेनीट्रेट करना है तो मैं एक काम यह करता हूँ मैं वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा दो साल की वारंटी बढ़ा देता हूँ सही है इसको आपने ऐसे देखना है कि ऊपर सवाल अगर आप देखेंगे तो वारंटी क्लेम बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ा अच्छा कंपनी ने वारंटी बढ़ा दी कंपनी की सेल्स कम हो रही है आ, एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल का मसला है जिसके लिए वो बैंक के पास लोन लेने जा रही है और बैंक से निगोशिएट कर रही है एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़े अब मसला ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्जिस्टिंगली डिसकंटिन्यू कर दिया है उसको अगर आप देखें तो उस पर मसला आ गया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आप, आपने अपना एक सेगमेंट तो डिसकंटिन्यू कर दिया बट जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने स्कूल वालों से किया था और उनको आपने कहा था मैं बीस हजार यूनिट्स आपको ही डेस्कटॉप पीसी सर्वर वगैरह सप्लाई करूंगा सही है छह हजार यूनिट्स आपने सप्लाई कर दिए और अब आप बैठ के कह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो इसको डिसकंटिन्यू कर चुका हूं आई निगोसिएशन करते हैं और मैं आपको इसकी जगह ऑल इन वन पीसी कर देता हूं एक स्कूल वाला मान गया है दूसरे वाले से निगोसिएशन चल रही है और अगर वो नहीं माना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास तो है नहीं प्रोडक्ट और आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा और आपको छह मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है या वो आप सकेगा नियर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये सप्लाई करने का आप सप्लाई करें तो आपको ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा और उसकी ठीक ठाक कॉस्टिंग कट हो जाएगी थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर तो फिर मई दो में क्या हुआ मई दो में कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था हॉगकॉन्ग से जब ये बिजनेस कर रही थी डेस्कटॉप uh, वाला तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था से. हुआ था हांगकॉन्ग से हॉन्गक में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ जिसकी वजह से वो ऑर्डर टाइम पे आ नहीं सका जब आप ये डिसीजन ले रहे थे डिसकंटिन्यू करने का तो आपने कहा ठीक है यार ऑर्डर अभी तक आया भी नहीं है प्रोडक्ट अभी तक मिले नहीं है तो चले मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ यहाँ आपने डिसकंटिन्यू करा और यहाँ हॉन्गॉन्ग वाला आपसे कह रहा है कि यार मैं तो माल सप्लाई कर चुका हूँ तुम्हें अब माल मिल जाएगा अब माल आपके पास पड़ा हुआ है सेगमेंट को आप डिसकंटिन्यू कर चुके हैं तो आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं या निगोसिएशन कर रहे हैं किसी तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं ये हमारे पास एक 22 नंबर का क्वेश्चन नंबर वन था विंटर 2019 का जिसके ऊपर वो आपसे ऑडिट डिस्क पूछ रहा था देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमने इसमें चीज़ों को इस तरीके से देखना है कि हमने सवाल में अगर आप देखें तो आपके पास बैलेंस शीट भी है पी भी है और कॉमेंट्री भी है इनको आपस में इकट्ठा करके हमने कुछ अच्छे रिस्क आइडेंटिफाई करने देखें थोड़ा सा अगर हम चलें सबसे पहला रिस्क सबसे पहला रिस्क अगर आप देखें तो आपका सबसे पहला रिस्क गोइंग कंसर्न का है देखिए गोइंग कंसर्न का रिस्क है क्यों समझने की कोशिश करेगा कंपनी के लॉसेस बिफोर टैक्सेशन ऐसा ये कंपनी लॉस इंकट कर रही है ये सबसे बड़ा इवेंट और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है किस चीज़ के ऊपर गोइंग कंसर्न के ऊपर थोड़ा सा अगर आप और देखें तो आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो दो सौ तीस है और आपके जो करंट एसेट्स हैं वो दो सौ है ये भी एक इवेंट और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है गोइंग कंसर्न पे इक्विटी अभी तक आपकी पॉजिटिव आ रही है तो आप ये कह सकते हैं और मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है अरेंजमेंट्स वगैरह आपके सही हो नहीं रहे दीज आर द इवेंट्स और कंडीशन विच मे का सिग्निफिकेंट डाउट अब इसको ड्राफ्ट कैसे करना है सबसे पहला काम आपने एक अच्छे से गोइंग कंसर्न की हेडिंग डालनी है सही है उसके बाद आपने कहा है कि ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस सिंस दो वर्किंग कैपिटल इशू बैंक से निगोसिएशन चल रही है एंड करंट लैबिलिटी एक्सिड इट्स करंट एसिड तीनों इंफॉर्मेशन सवाल में दी गई दीज आर दिन आर द रिस्क दैट द अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट विच मे नॉट बी एडिकुटली डिस्कलोज बाय द मैनेजमेंट और गोइंग नॉट बी अप्रोप्रिएट एंड मैनेजमेंट में रिस्क आइडेंटिफाई कराए इसके दो से तीन पहलू हैं पहला पहलू यह है कि इनहेरेंट रिस्पेक्टर सवाल में आपको मौजूद होगा सही है इनहेरेंट रिस्पेक्टर सवाल में मौजूद होगा तो सबसे पहला काम तो आपने यह करना है कि सवाल से इनहेरेंट रिस्पेक्टर क्यों गोइंग कंसर्न का रिस्क है करंट लैबिलिटी एक्सीड करिए करंट एसिड से

बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गोइंग बेसिस ही अप्रोप्रिएट नहीं है और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस बना दिया तो ये हमारे पास हो गई सबसे पहली चीज जो हमारे पास हो गई वो रिस्क हो गई अच्छा अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस रिस्क के अगेंस्ट मैंने प्रोसीजर्स लिखना है जब मैं प्रोसीजर्स लिखूंगा तो मैंने आपके लिए काम यह कर दिया है कि प्रोसीजर लिखते हुए मुझे मैंने स्टूडेंट कॉर्नर आपके लिए लिख दिया तो आप समझने की कोशिश करिएगा रेड से हम रिस्क डिस्कस कर रहे हैं ब्लू से प्रोसीजर ग्रीन से गाइडेंस अगर कहीं प्रोवाइड की गई है तो आइजा फाइव सेवेंटी गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स हमारे पास हेल्पफुल होंगे लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है देखें आइजा फाइव अगर आप देखेंगे जो हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है तो आपको वो कुछ जेनेरिक प्रोसीजर बताता है क्या मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न के असेसमेंट ले लो एटलीस्ट बारह महीने की मैनेजमेंट से कैश फ्लोज एंड पेन के फोरकास्ट ले लो एजम्शन को चेक कर लो कि एजम्पन रीजनेबल है सबसे कोई ले लो, फानेशल फानेशल, ये है। लेकिन आ रही थी कौन सी चीज कैपिटल हमारे पास होना चाहिए इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होना चाहिए एंड दैट स्पेसिफिक एग्रीमेंट करस्पॉन्डेंस फाइल विद द बैंक टू इवेल्युएटी क्या बैंक आपको लोन या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा भी कि नहीं करेगा बिकॉज वन ऑफ द इवेंट और कंडीशन इज दर्किंग कैपिटल इश्यू तो यह भी प्रोसीजर आपको मेंशन करना पड़ेगा आए थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक और रिस्क अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिस्क है प्रोविजन फॉर वारंटी का आप सबने बिल्कुल सही पिक करा है बच्चों के प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है रिस्क है क्यों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सही है तो सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपने कहा प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क है आज हम सवाल में चलते हैं और अगर सवाल में हम देखें तो सवाल में लिखा हुआ था टू फर्दर बूस्ट द सेल्स ए सी एल वारंटीज इन एडिशन टू अ टू ईयर वारंटी पीरियड फॉर ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट अ नॉमिनल इंक्रीज इन प्राइस सही है तो ठीक है भाई मैंने वारंटी का पीरियड दो साल और बढ़ा दिया मैं ऊपर सवाल में देखता हूँ क्या मेरे पास बैलेंस शीट पी में कहीं वारंटी प्रोविजन आ रहा है हाँ जी वारंटी प्रोविजन आ रहा है सही है तो मुझे एक चीज बताएं मुझे एक चीज बताएं क्या वारंटी प्रोविजन बढ़ना चाहिए ये एनालिटिकल प्रोसीजर है ये आयजा पांच सौ का प्रलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर है अगर आपसे आप, आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और वो आपसे कहती है कि इस साल हमने वारंटी प्रोविजन दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था हमारी सेल्स इंक्रीज हो मुझे एक चीज बताएं वारंटी प्रोविजन बढ़ना चाहिए एक कॉमन सेंस एनालिटिकल रिलेशनशिप यस सर बिल्कुल बढ़ना चाहिए लेकिन अगर आप सवाल में देखें तो वारंटी प्रोविजन आपका बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है उसकी एक कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर वारंटी में आपका एक ऑडिट रिस्क अराइज हो सकता है तो रिस्क फैक्टर क्या है? यह है कि आपने ये जो चीजें टू फर्दर बूस्ट द सेल्स ए सी एल स्टार्टेड ऑफरिंग सवाल से कॉपी करा हाव एवर द प्रोविजन फॉर वॉर बिन डिक्लाइंड फ्रॉम सिक्सटीन मिलियन टू रुपीज नाइन मिलियन दियर फोर दियर इज अ रिस्क है ये, ये there यह यहाँ पे रिस्क है कि प्रोविजन फॉर वॉरंटी मैनेजमेंट ने सही रिकॉर्ड नहीं करी होगी क्यों सही रिकॉर्ड नहीं करी होंगी बिकॉज प्रोविजन फॉर वारंटी में है किस चीज का रिस्क कंप्लीटनेस का रिस्क है अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है कि मैनेजमेंट ने सारा का सारा प्रोविजन सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा या जो एक्जम्शन यूज की होंगी वो एक्जम्पन मैनेजमेंट की रीजनेबल नहीं होंगी तो प्रोविजन फॉर वारंटी में प्यारे बच्चों क्या इन्वॉल्व होते हैं एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं जजमेंट इन्वॉल्व होती है तो ये मेरे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर है एस्टिमेट्स के ऊपर क्या आइजा एप्लीकेबल है आइजा फाइव फोर्टी है जो आपको कहता है अगर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑडिट कर रहे हैं तो आइजा फाइव के प्रोसीजर से आपने कंप्लाई करना पड़ेगा तो स्टूडेंट कॉर्नर में मैंने आपके लिए चीज मैंशन कर दी है कि मैंने जो ऑडिट प्रोसीड ड्राफ्ट करे हैं बहुत सारे कर दिए लेकिन आपने कोई भी दो तीन लिखने जो कि स्पेसिफिक और ये जो प्रोसीजर्स लिखे गए ये मैंने आइजा फाइव से मदद दी है सबसे पहला काम मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना है कि भाई आप बताएं आपका क्या प्रोसेस है आपने वारंटी का प्रोविजन किस तरीके से रिकॉर्ड कराए आप किस तरीके से ये अमाउंट डिटरमाइन करते हैं उसके बाद आपने

टू आइडेंटिफाई द रिवाइज वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन उसी एक सवाल के भाई वारंटी आपका डिक्लाइन क्यों कर रहा है जब आपकी जब आपने दो साल उसको बढ़ा दिया ये भी एक प्रोसीडर आप लिख सकते हैं फिर आप लिख सकते हैं इन्श्योर देशन यूज बाय द मैनेजमेंट आर रीजनेबल देखें वारंटी में एजम्पन जिस तरह इन्वेंट्री के इंपेयरमेंट में कुछ एजम्पन्स होती हैं पी, पी की इंपेयरमेंट में कुछ एज्पन्स होती है वारंटी में क्या एजम्पन्स होती होंगी वारंटी में एजम्पन्स ये होंगी यार कितने नंबर ऑफ क्लेम्स हमारे पास आ जाएंगे सही है उन क्लेम्स को कॉस्ट उन क्लेम्स को ठीक करने में कितनी कॉस्ट मेरी इंकर्ड होगी और वो क्लेम्स की नेचर क्या होगी सही डिफरेंट एक भाई हार्ड हार्ड ड्राइव खराब हो गई Uh, uh, कोई अंदर सॉफ्टवेयर था वो खराब हो गया या जो अंदर पंखा लगा हुआ होता है वो खराब हो गया इट कुड बी एनी चीज तो कौन कौन से नेचर ऑफ क्लेम्स आ सकते हैं बोर्ड उड़ गया तो ऐसे कौन कौन से नेचर ऑफ क्लेम आ सकते हैं और हर क्लेम की क्या कॉस्ट होगी तो ये आपने करना है सच एस नंबर ऑफ क्लेम्स कॉस्ट रिक्वायर आर रीजनेबल एजमशन मेंशन करना आपके लिए बड़ा जरूरी है उसके बाद आप ये काम कह सकते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँगा टू इंश्योर दैट कि सब्सिक्वेंटली कितने कस्टमर्स ने क्लेम फाइल किया है और जो मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड किया हुआ है क्या वो उससे अलाइंड है भी या नहीं और आखिरी चीज़ मैं करस्पॉन्डेंस फाइल देख सकता हूँ कस्टमर के साथ बिकॉज अगर किसी कस्टमर ने वारंटी क्लेम किया होगा तो उसके साथ कोई करस्पॉन्डेंस फाइल होगी मैंने आपके लिए पाँच छः प्रोसीजर्स लिख दिए हैं और आई होप आपके पास वॉल्यूम टू अवेलेबल होगी बिकॉज़ वॉल्यूम टू के अंदर मेरा हर रिस्क हर प्रोसीजर हर एक आंसर किस लॉजिक के तहत है किस चीज के तहत है वो सारी की सारी चीजें यहां पे ऑलरेडी कवर्ड होंगी तो ये काम आपने लाजमी करना है ठीक है अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़े ये हमारे पास हो गया प्रोविजन फॉर वारंटी सही है अच्छा तीसरी चीज अगर मैं देखूं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है मेरा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये देखें अब इसमें अब पेपर अगर आप देखें बच्चों तो पहला रिस्क आइजब पांच से दूसरा रिस्क आइजब पांच से तीसरा रिस्क आयिजा 240 से तो ये फेस पे आयजा 315 होता है इसके अंदर बहुत से आयजाज इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ आगे बढ़ू इस सवाल में फ्रॉड का रिस्क है क्यों इस सवाल में हमारे पास फ्रॉड का रिस्क है क्यों देखें फ्रॉड का रिस्क इसलिए है कि कंपनी के पास जो कंपनी है सबसे पहले आप ये देख लें कंपनी है कौन सी अगर मैं कंपनी को देखूं लिमिटेड का वर्ड लिखा हुआ है

रिस्क ऑफ फ्रॉड बिकॉज मैनेजमेंट में है प्रेशर टू कमिट फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझाने का मकसद यह है कि एक सवाल के अंदर पांच सौ सत्तर भी है पांच सौ चालीस भी है दो सौ चालीस भी है सही है और जब फ्रॉड आ गया

और उसके अलावा हमारे पास आ, आ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीज के मैं इंगेजमेंट टीम ऐसे भेजूंगा जिसके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ होंगी तो ये पांच छह प्रोसीजर्स मेरे पास अवेलेबल हैं जिसको मैं लिख सकता हूँ दी ओनली इशू इशूज़ पेपर में आपने पिक करना होता है लिखने का मवाद बहुत ज़्यादा है तो मैं हंड्रेड आपको आंसर बता रहा हूँ कि ये आंसर है पेपर में मार्क्स के हिसाब से हम इस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं अच्छा थोड़ी सी और चीज अगर मैं आगे बढ़ू तो एक और मसला है और मसला क्या है प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री क्यों इनवेंट्री का रिस्क इसके ऊपर इन्वेंट्री का रिस्क इसलिए क्योंकि अगर ड्यू टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रीप्रबर मार्केट सेल्स है सेल्साइंड सिग्निफिकेंटली एंड इन्वेंट्री टर्न ओवर डेज द इनवेंट्री मे हैव एंड नो है देखें एक सबसे बड़ा रिस्क मेरे पास इन्वेंट्री का इन्वेंट्री का रिस्क है क्यों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सवाल में देखनी है वो ये देखनी है कि आप इन्वेंट्री टर्न ओवर डेज को देख लें टर्न ओवर डेज अगर आप देखें तो आपके पास इन्वेंट्री है इन हैंड in दी भी है और आपके पास सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया है तो जब सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी और इन्वेंट्री है तो आप इन्वेंट्री टर्न ओवर डेज निकाल लें तो इसका मतलब इन्वेंट्री आपकी नहीं बिक्री क्यों नहीं बिक्री एक और रीजन ये है कि आप सेल्स को देखें तो आपकी सेल्स भी डिक्लाइन कर रही है जब सेल्स डिक्लाइन कर रही है इन्वेंट्री टर्न ओवर डेज बढ़ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट इस मार्केट में एक नया कॉम्पिटेटर आ चुका है सही है और आप अपने एक सेगमेंट ही खत्म करने जा रहे हैं तो वो जो इन्वेंट्री रेंट पे पड़ी हुई होगी वो तो इंपेयर हो जाएगी तो रिस्क इसके जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है वो इंपेयर हो जाएगी इसके अंदर आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि वो हॉगकॉन्ग वाला इन्वेंट्री भी जब आपके पास आ जाएगा तो आपका सेगमेंट तो खत्म हो चुका है आप तो कॉन्टेक्ट आके आपका है नहीं तो वो पड़े पड़े रह के वो भी क्या हो जाएगी वो भी इंपेयर हो जाएगी तो यहां पर इन्वेंट्री की का रिस्क है हमारे पास इस रिस्क को अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन जो प्रोसीजर्स हैं वो आइजा 540 के और आइजा 540 के प्रोसीजर हमारे पास क्या है अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट द मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द ऑप्सिलीट इंपेयरमेंट इन्वेंटरी टू एस्टिमेट द प्रोविजन दूसरी चीज आप इन्वेंट्री एजिंग ऑप्टेन कर लें और सब्सिक्वेंट सेल्स प्राइस कर लें देखें यहां पर भी मैंने आइजा 540 की मदद ली है आइजा 540 ने मुझे कैसे हेल्प किया आइजा 540 ने ऐसे हेल्प किया यार देखिए मैनेजमेंट जब इन्वेंट्री इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर रही होगी तो कुछ सोच समझ के कर रही हो कुछ सोच रही होगी प्रोसेस बना रही होगी एज एन ऑडिटर आपका सबसे पहला काम यह है कि आप उस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर लें सबसे पहला काम आप यह कर लें आप ये करें कि जहां जो प्रोसेस में कोई ना कोई एग्जिमशन होगी दो से तीन महीने पुरानी चार महीने पुरानी छह महीने पुरानी तो आप एक काम करें आप इन्वेंट्री की एजिंग ले लें देखिए इन्वेंट्री टर्न ओवर डेज बड़ा है तो इसका मतलब इन्वेंट्री पड़े, पड़े पड़े बहुत अरसे से पड़ी हुई है तो आप इन्वेंट्री टर्न ओवर इन्वेंट्री एजिंग ले लें इन्वेंट्री एजिंग से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितने महीने पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके बाद मैनेजमेंट की कोई ना कोई एजम्पन्स होंगे कि भाई ये इन्वेंट्री मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कितने की बिक जाएगी तो उस एजम्पन्स को वेरीफाई कर लें कि एजम्पन रीजनेबल है ये वो वो है जो प्रोविजन फॉर वारंटी में भी वेरीफाई की थी लेकिन वहां पर एज्पन डिफरेंट है इन्वेंट्री की एजम्पन्स डिफरेंट है आई एस टू के हिसाब से और आखिरी काम आप ये करेंगे कि सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस देख लें कि इन्वेंट्री सबसिक्वेंट टू द ईयर एंड कितने की सेल हो रही है तो इन्वेंट्री के ऊपर आप ये प्रोसेस परफॉर्म कर लें थोड़ा सा और आगे चलें प्यारे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे सवाल में कहीं पे भी अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही थी सही अकाउंट रिसीवेबल का एक वर्ड नहीं लिखा हुआ था लेकिन अगर आप मेरे आंसर में देखेंगे तो देखें अकाउंट रिसीबल तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि एट द फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क एज अ स्टूडेंट आप पहले जब मैं आपको क्विज दे रहा हूं तो आप करें ताकि आपको पता चले कि हाँ यार ये रिस्क आइडेंटिफाई हुए इसको ऐसे लिख सकता था इसमें ऐसी चीज नहीं लिखी इसमें ये वाला रिस्क फैक्टर मिसिंग है इसमें इस तरीके से काम कर सकता था तो अगर मैं इंपेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसेबल की तरफ आऊँ तो इंपेयरमेंट ऑफ अकाउंट डिसबल की तरफ कैसे रिस्क है पूरे सवाल में रिसीबल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा रिसिबल की कोई बात नहीं कर रहा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसने आपको रिसीबल के ऊपर सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है और अगर आप रिसीवल देखें तो रिसीवर आपके बर्ड है

प्रोसीजर जब मैं करूंगा तो इसमें भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है और यहां पे भी आइजा 540 मुझे हेल्प करेगा सबसे पहला काम अगेन मुझे मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना पड़ेगा यार कि आप किस तरीके से रिसेवल की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ये कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं कि दो महीने वाला मैं दस परसेंट प्रॉबलिटी डिफॉल्ट का वो पैसे नहीं देगा और तीन महीने वाले में पंद्रह परसेंट प्रॉबेबिलिटी डिफॉल्ट है वो पैसा नहीं देगा तो आपका प्रोसेस क्या है उसके बाद आपने मैनेजमेंट से वर्किंग लेनी है और एक्जम्पन्स को चेक करना है कि एजेंशन रिजनेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्जम्पन कौन सी वारंटी क्लेम्स वाली नहीं सेलिंग प्राइस वाली नहीं िटी ऑफ डिफॉल्ट और लॉस गिवन डिफॉल्ट आप देख रहे हैं मेरा एक तीनों जगह पे क्लेम पे भी वारंटी क्लेम में भी आया इन्वेंट्री में भी आया रिसीबल में भी आया आगे जाके पीपी में भी आएगा तो हमारे पास एक्जन तो यही है लेकिन यहाँ पे एजम्पन्स हर चीज की डिफरेंट होंगी प्यारे बच्चों तो जिससे तभी मेरा आंसर एक यूनिक बनेगा और मेरा रिस्क और प्रोसीजर्स हमेशा 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 के लिए अलाइंड रहेगा अगर मेरा रिस्क ये है ना कि मेरी मैनेजमेंट ने प्रोविजन सही रिकॉर्ड इसलिए नहीं करी बिकॉज एजम्प्शन रीजनेबल नहीं है और मेरे प्रोसीजर्स में भी एजम्पन्स के वर्ड आ रहा है तो मुझे ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे सही है उसके बाद मैंने डेटर्स की एजिंग एनालिसिस ले ली ताकि प्रोबेबलिव डिफॉल्ट को चैलेंज कर सकूं कि प्रोबेबलिव डिफॉल्ट क्या है उसके बाद सबसे कोई रिसर्च देख ली ताकि पता चल जाए कि पैसा रिकवर हुआ भी है

कुछ भी प्रोसीजर मसला नहीं है मैनेजमेंट से आपने फॉरेन एक्सचेंज की वर्किंग ली उसको रिकैलकुलेट करा बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रेट्स मैनेजमेंट के रेट्स नहीं इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रेट्स और इंश्योर कर लिया कि मॉनेटरी लाइब्रेट ईयर एंड पे सही रेट पे रीट्रांसलेट हो रही है आसान से प्रोसीजर मेरे फॉरन एक्सचेंज के थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेफर टैक्स एसेट देखें डेफर टैक्स एसेट का रिस्क क्यों है अगर आप सवाल देखें पूरे सवाल में डेफर टैक्स एसेट से रिलेटेड कोई एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी हुई थी बच्चों कोई एक इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई थी लेकिन अगर हम सवाल को देखें तो सवाल में यहां कोने पे इसने मुझे लिख के दे दिया डेफर टैक्स एसेट और एसेट है नॉन करंट एसेट के नीचे आ रहा है एसेट है नॉन करंट एसेट के नीचे आ रहा है इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चों इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास एक डेफर टैक्स एसेट है डेफर टैक्स एसेट में हम अगर देखें

तो देखें अगर आप हैंड देखेंगे या वॉल्यूम टू देखेंगे तो टैक्स एसेट के ऊपर रिस्क है और आपने रिकॉल करना है तो स्टूडेंट कॉर्नर में आपको टैक्स एसेट का पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा जो कि रेलिवेंट है फॉर एग्जांपल अ टैक्स शुड बी डेफाटेसूड फॉर ऑल द डिडक् डिफरेंस टू द एक्सटेंट दैट इट इज प्रोबेबल दैट द टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच अगेंस्ट विच द डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस कैन बी यूटिलाइज अनलेस द डेफेटिक एसेड अराइज फ्राम द इनिशियल रिकॉगनेशन ऑफ एन एसेट सही है तो जो आई एफ आर एस का रिस्पेक्टिव पैराग्राफ होगा वो भी आपको हैंड आउट में अवेलेबल होगा ताकि आपको आपका टाइम सेव हो सबसे इंपॉर्टेंटेंटें चीज़ ये कि आपका टाइम सेव हो तो अगर हम देखें तो रिस्क का बाइस नंबर का सवाल हम अगर बाईस चौबीस मिनट में कर रहे हैं और आपने पहले अटैम्प्ट करना है एक घंटा आपने लगाने ताकि बीस ताकि आपको पता चल सके आपके असेसमेंट क्या है तो मेरा यहाँ पर रिस्क क्या हो जाएगा डेफेटेस का मेरा यहाँ पे डेफेटेक्स का रिस्क हो जाएगा बच्चों के मैं ये कहूँगा

एक कंपनी कहती है मैं आगे जाकर प्रॉफिट अर्न कर लूंगी सफिशेंट टैक्सेबल प्रॉफिट अर्न कर लूंगी तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया

कि ये सेल्स जितने से बढ़ जाएगी परचेज इतने से कम हो जाएगी और टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा वो एक्जन जो मैनेजमेंट ने यूज किया फॉर एक्साम्पल फोर फोरकास्ट सेल्स फोरकास्ट परचेजेस अकाउंटिंग प्रॉफिट ये सारी के सारी रीजनेबल है और जो देखें कंपनी प्रोजेक्ट करेगी अकाउंटिंग प्रॉफिट को फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हिसाब से एडजस्टमेंट और डिडक्शन करेगी और उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट में आएगी बिकॉज आई एस ट्वेल्व ने अकाउंटिंग प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करा टैक्सेबल प्रॉफिट का वर्ड यूज़ है तो जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट की प्रोजेक्शन है क्या वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से है और क्या वो मैनेजमेंट के लेटेस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से है और खुदा ना खासा अगर कोई लिटिगेशन या क्लेम चल रही है कोई मसला चल रहा है तो आपने आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी एफ के साथ या जो कंपनी का टैक्स एडवाइज़र होगा उसके साथ करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट करनी है पेपर में आपने दो से तीन की प्रोसीजर लिखना है मैंने आपको सारे लिख के दे दिए सात आठ लिख के दिए क्यों बिकॉज पास्ट पेपर में एक सवाल आया था कि टैक्स की प्रोजेक्शन के ऊपर आठ नौ प्रोसीजर्स लिख के दे दो तो तभी मैंने अपने आंसर में ज़्यादा लिखे आपने दो से तीन की प्रोसीजर जो कि क्या है कि मैंने मैनेजमेंट से प्रोजेक्शन लूँगा अगले पाँच साल की चेक करूंगा कि जो एक्जम्पन्स मैनेजमेंट ने यूज़ करी है फोरकास्ट सेल फोरकास्ट परचेस किया वो रीज़नेबल है फिर मैं ये चेक करूंगा कि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट में आने के लिए जो एड और लेस किया होगा क्या वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से है और वो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से है या नहीं है। ये तीन चार प्रोसीजर लेकिन यही सवाल अगर आठ नौ नंबर का आ जाएगा तो हमारे पास कॉन्टेंट मौजूद होना चाहिए आखिरी चीज़ प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री इन ट्रांजिट देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने ऑर्डर दिया हुआ है एंड आपका आने वाला है या आ चुका है इन्वेंट्री अभी तक आई नहीं है इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद आई है देखें इन द नवंबर द मैनुफेक्चर शिफ्ट ऑर्डर हाउ एवर इट वॉज नॉट रिसीव टिल द ईयर एंड दियर फॉर देयर इज द मैनेजमेंट में नॉट है इन्वेंट्री इन ट्रांजिट अगर उसके पोर्ट से एक चीज ईयर एंड से पहले निकल चुकी है और आपके पास अभी तक रिसीव नहीं हुई है आपके पास ईयर एंड के बाद रिसीव हुई है और जब वो पोर्ट से निकली है तो और शिपिंग टर्म्स अगर ये कहते हैं कि जी अगर मेरे पोर्ट से निकल गई तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है तो फिर आपको आई एस कहता है कि जी आप इन्वेंट्री इन ट्रांजिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें द रिस्क इसके मैनेजमेंट इन्वेंट्री इन ट्रांजिट सही अमाउंट पर रिकॉर्ड नहीं किया होगा या फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा पता कैसे चलेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए पता कैसे चलेगा कि उस ईयर एंड से पहले उसके पोर्ट से डिलीवर हो चुका है पता कैसे चलेगा कि ईयर एंड तक मुझे रिसीव नहीं हुआ ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ तो इन सारी चीज़ों का आंसर है इंस्पेक्ट द शिपिंग डॉक्यूमेंट टू असेस व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड और अगर आपको इसके ऊपर आई देखना है तो स्टूडेंट कॉर्नर में मेरे प्यारे बच्चों शिपिंग टर्म से रिलेटेड जो भी IFRS की की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी मैंने पे आपके ऐड कर दी है जो भी मेरा आंसर होगा किसी ना किसी लॉजिक के तहत होगा हवा में नहीं होगा सही है इंस्पेक्ट द दब्सिक्वेंट गुड्स रिसीव नोट टू इंश्योर दैट द इश्योर दटेंट्री दट हेज ट्रांसमिट ईयर एंड से पहले रिसीव हो गई तो फिर इन ट्रांसफ थोड़ी है तो आपको गुड्स रिसीव नोट देखना पड़ेगा तीसरी चीज इंस्पेक्ट द सेल्स इनवॉइस टू इन्श्योर दैट इट इज रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट तो जो इन्वेंट्रीन ट्रांसफर in को किसी अमाउंट पर रिकॉर्ड करना होगा तो जो बिल ऑफ लेडिंग के डॉक्यूमेंट होते हैं इन्वाइस के डॉक्यूमेंट होते हैं आपने वो देखना होगा ताकि पता चल जाए तो सबसे पहली चीज ये देखना होता है कि क्या यह इन्वेंट्री ट्रांजिट है उसके लिए तीन चीज़ें बड़ी जरूरी है उसके पोर्ट से यारन से पहले यान से पहले डिस्पैच हो जाना चाहिए मेरे पास ये रेन के बाद रिसीव होना चाहिए तभी ये रेंट पे मैं इन्वेंट्री ट्रांस रिकॉर्ड करूंगा तीसरी चीज़ शिपिंग टर्म्स में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जहां डिलीवर होगा और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया जहां पोर्ट शेपस्टन से वो चीज़ निकलेगी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया समझ आ रही है बात तो ये चीज़ मैं इस तरीके से एड्रेस कर दूंगा आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे बच्चों ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट देखें सवाल में एक बहुत बड़ा मसला था अगर आप देखें तो या तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए मुझे वो उसको पीसी वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे और वो बड़े महंगे पड़ जाएंगे मेरा एक ऑब्लिगेशन है सही है ये मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सौ रुपये का आ रहा है उसको पूरा करने की जो कॉस्ट आ रही है वो डेढ़ सौ रुपये आ रही है चूँकि ऑब्लीगेशन आपकी ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट आप ईयर एंड से पहले कर चुके हैं आप फुलफिल भले बाद में करें उसके ऊपर जो आपका लॉस है उसको आपने आज रिकॉर्ड करना होगा बिकॉज ये एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इन केस द अदर स्कूल डस नॉट एग्री टू द चेंज

बेचूंगा सौ रुपए का पड़ेगा डेढ़ सौ रुपए का सिंपल सी बात है ना तो बेचने को और खरीदने का वेरीफाई कर प्रोविजन वेरीफाई हो जाएगा इंस्पेक्ट द करेस्पॉन्डेंस फाइल अदर कस्टमर टू असेस द अमाउंट ऑफ तो प्रिक्योरमेंट जो अदर सप्लायर है जिससे आप प्रिक्योर करेंगे उसकी करेस्पॉन्डेंस फाइल देखेगा आपको पड़ेगा कितने का डेढ़ का एक का एक का रिकैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट विच इज लोअर ऑफ सही या तो पेनल्टी का अमाउंट लोवर ऑफ होगा या जो तो आइस खुद कहता है जो लोवर ऑफ़ हो उस पर आप रिकॉर्ड कर लें तो देखें यार एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं डेढ़ सौ रुपये का बेच रहा हूँ मैं सौ रुपये का बेचूंगा डेढ़ सौ रुपये का मुझे पड़ेगा यही दो चीज़ें ना तो डेढ़ सौ का पड़ेगा तो सप्लाई के साथ करेस्पॉन्डेंस फाइल देख लें सौ का बेचूंगा तो सेल्स एग्रीमेंट देख लें सौ रुपये लिखा है फिर बराबरी कैलकुलेट कर लें तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में मसला क्या है तो जो हमारी ऑडिट प्रोसीजर की टेक्निक थी वो हैंड आउट या वो लेक्चर या वो चैप्टर बड़ा ज़रूरी है तभी हम रिस्क के साथ प्रोसीजर्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं पेपर में तीस पैंतीस मार्क्स प्रोसीज से आते हैं रिस्क के साथ भी आ सकते हैं अलग से भी आ सकते हैं तो बच्चों ये हमारे आधे घंटे में एक बाईस चौबीस नंबर का सवाल एक एक चीज़ क्यों लिखी है कैसे लिखी है और इसके अंदर सबसे ट्रिकी पार्ट था डेफा टैक्स एसेट और रिसिबल इसके ऊपर मैंने रिस्क आइडेंटिफाई आडेंटीफाई करें ऑल दो सवाल में सिर्फ इनके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था कोई कॉमेंट्री नहीं लिखी हुई थी ये दो रिस्क आई मुझे लगता है आपसे मिस हुए होंगे आपने बिल्कुल रेडी रहना इस चीज़ के ऊपर कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करना है सही है इसके अलावा जो कुछ सवाल में दिया हुआ था उसको आपस में मिला जुला के आपने इनहेरेंट रिस्क फैक्टर अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि देखिए सवाल में आपने ये लिखा हुआ है इसकी वजह से ये ये रिस्क हो सकते हैं और रिस्क ये है और इसके अगेंस्ट में ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ मुलाकात होती है अगले ऑडिट टेस्टिंग सिस्टम के साथ जिसमें मैंने आपको विंटर समर सत्रह का सवाल और मिनटर बीस का सवाल दिया है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको अटैम्प करता है अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अगर क्वालिटी और कॉन्टेंट आपके लिए फायदा लग रहा है आपका टाइम सेव हो रहा है आपकी एफर्ट सेव हो रही है फीडबैक क्लास में दीजिएगा थैंक यू सो मच